तो फाइनली अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है, पर क्या आप उन 98% लोगों में से हो जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन पूरा तो देखा लेकिन उसकी एंडिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आई? Yes. तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सिर्फ आपके लिए, बिकॉज इसको देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप पूरी एंडिंग समझ जाओगे, अगर समझने की कोशिश करो तो। ये क्या बात है यार? तो बेसिकली अटैक ऑन टाइटन में एरन के पास तीन ही गोल थे, जो कि है नंबर 1 मार्ले और एल्डियन के वॉर को रोकना जिसमें उसके दोस्त पिस रहे हैं, नंबर 2 पूरे टाइटन्स की पावर को खत्म करना ताकि उसके दोस्त एक लॉन्ग लाइफ जी सके, नंबर 3 वर्ल्ड में कोई और वॉर ना हो सके जब तक उसके दोस्त जिंदा है। तो टाइटन्स और टाइटन पावर को पूरी तरह खत्म करने के लिए यमीर के कर्ज को खत्म करना पड़ेगा, और यमीर के कर्ज को खत्म करने के लिए यमीर को आजाद करना पड़ेगा, बिकॉज यमीर की डेथ के बाद भी उसे आजादी नहीं मिली होती है, बिकॉज वो खुद को स्लेव समझती है, जिसकी वजह से वो पिछले 2000 साल से रॉयल ब्लड को सर्व कर रही होती है। अब यमीर क्योंकि एक स्लेव होती है जिसके पास अपनी खुद की कोई विल नहीं होती है, वो बस दूसरों के ऑर्डर्स मानना जानती है। इसे आप ऐसा समझो कि यमीर एक रोबोट है जिसे ऑर्डर्स लेना ही आता है, और इवन वो खुद के बारे में भी कुछ नहीं सोचती है। बट ये सब कुछ चेंज हो जाता है जब एरन, जो कि नॉन रॉयल ब्लड होता है, वो यमीर को होप देता है उसकी फ्रीडम के लिए, और यमीर भी पिछले 2000 साल से ऐसे ही किसी पर्सन की तलाश में थी जो कि उसे होप दे सके, उसे मोटिवेट कर सके उसे फ्री करने में। पर वो पर्सन एरन नहीं होता, वो होती है मिकासा, जिसे यमीर पाथ में हमेशा देखती रहती है, और यही रीजन है कि क्यों मिकासा को सर में दर्द होता है और वो अपने लाल गमछे में आयोडेक्स बाम लगा के रखती है। yeah. अब उसने मिकासा को ही क्यों चुना? क्योंकि यमीर और मिकासा दोनों की कंडीशन सेम होती है, जहां पर दोनों अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेसिव होते हैं, इतने ऑब्सेसिव कि वो उनकी गलतियों तक को इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली यमीर खुद को मिकासा की जगह पर देखती है, और वहीं एरन को कार्ल फिट्स की जगह पर, जहां पर एरन बहुत से गलत काम कर रहा है और मिकासा बस उसे एक्सेप्ट करते जा रही है, बिल्कुल यमीर की तरह। और इन सब चीजों को देखते हुए एरन सेरेमनी के टाइम से ही प्लानिंग चालू कर देता है इन सब इवेंट्स के लिए, जहां पर एरन फ्यूचर में देखता है कि आगे 4 साल के अंदर पूरी दुनिया मिलकर पैराडाइज आइलैंड के ऊपर अटैक करने वाली है, और पैराडाइज आइलैंड पूरी तरह खत्म हो जाता है, और इस चीज का उसके दोस्तों पे भी इफेक्ट होता है, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो रंबलिंग स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो 80% पॉपुलेशन को मार देता है ताकि बचे 20% पॉपुलेशन सर्वाइव कर सके, और क्योंकि 20% पॉपुलेशन बहुत ही कम है तो वो पैराडाइज आइलैंड के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और एरन रंबलिंग के थ्रू खुद को दुनिया के सामने विलन दिखाता है ताकि उसके दोस्त उसे मार के दुनिया की नजरों में हीरो बन सके, और जब वो हीरो बनेंगे तो मार्ले और पैराडाइज का कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएगा, जहां पर सब साथ आ जाएंगे। और एरन भी पूरा ध्यान रखता है कि उसे मिकासा के सिवा और कोई ना मार सके, बिकॉज अगर मिकासा ने एरन को मारा तो यमीर को ऐसा लगेगा कि उसने कार्ल फिट्स को मारा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यमीर मेंटली कार्ल फिट्स की स्लेव थी, एज वी ऑल नो वो उसके लिए ऑब्सेस्ड थी। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्यों? नो इंग्लिश कम टू मी, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती, प्लीज माय फ्रेंड डोंट फ्लाई माय जोक, मतलब कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। और यही केस मिकासा के भी साथ था, वो एरन को चाहती है जिसकी वजह से वो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन एरन मिकासा को अपने और खुद की मेमोरीज भेजकर हिम्मत देता है, जहां पर मिकासा फाइनली डिसाइड करती है एरन का सर धड़ से अलग करने का। और एरन को मारने के बाद यमीर का कर्ज भी खत्म हो जाता है, बिकॉज यमीर को समझ में आ जाता है कि अगर 2000 साल पहले उसने भी खुद को कार्ल फिट्स को बचाने से रोका होता तो आज ये सब नहीं होता। यमीर भी फाइनली फ्री हो जाती है, और उसके फ्री होने के बाद सारे नंगे पुंगे टाइटन्स और टाइटन पावर दुनिया से चले जाते हैं। बेसिकली यमीर साइकोलॉजिकली एक स्लेव थी, बस उसे जरूरत थी तो एक हिम्मत की, जो उसे एरन देता है मिकासा के थ्रू। और ये सारी हरकत करने के बाद एरन कामयाब हो जाता है अपने दोस्तों को एक अच्छी लाइफ देने में, जो कि वो हमेशा से चाहता था। और फाइनली एरन अपने तीनों गोल अचीव कर लेता है, जहाँ पर टाइटन पावर खत्म हो जाती है, जहाँ पे मार्ले पैराडाइज में शांति आ जाती है, और 20% पॉपुलेशन के साथ कोई वॉर भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्लियरली एरन का गोल सिर्फ उसके दोस्तों को बचाना था, हालांकि उसे पैराडाइज और बाकी दुनिया की चिंता थी, लेकिन उसके पास एक ही ऑप्शन था, दुनिया या फिर दोस्त, और हम सभी को पता है कि उसने क्या चूज किया। अब बात करते हैं इस की, जहाँ पर वॉर हुई है और ये बच्चा इस गुफा के पास है, तो हो सकता है कि उसे टाइटन्स की पावर मिले और एक नई स्टोरी चालू हो। चिंता मत करो, इसका कोई सीक्वल नहीं आएगा।
और इस सीन के थ्रू इसयामा हमें समझाना चाहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। ये सारी चीजें फिर से होती रहेंगी क्योंकि ये एक कंटिन्यूस साइकिल है। और एरन ने भी कहा था कि इंसान कहीं भी रहे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। एग्जाम्पल के लिए पैलेस्टीन और इसराइल वॉर और रशिया और यूक्रेन वॉर। अब यहाँ पे कई लोगों को मदारा की वेक अप टू रियलिटी स्पीच, जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, वो याद जरूर आएगी बिकॉज वो सच है। और एओटी का तो मेन थीम ही है स्लेवरी और फ्रीडम, जहाँ पर हर कोई किसी न किसी चीज का स्लेव है। जैसे कि एरन स्लेव था फ्रीडम का, साशा स्लेव थी पोटैटो की, और जोरो स्लेव है डायरेक्शन का। वैसे ही हर एक इंसान स्लेव है किसी न किसी चीज का, और इस स्लेवरी को ओवरकम करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं उसे ही हम फ्रीडम कहते हैं। एंड यस, एक लेजेंडरी एनिमे अटैक ऑन टाइटन फाइनली खत्म। अब इसके बाद इसका कोई सीक्वल नहीं आने वाला है। हाँ, स्पिन ऑफ वगैरह आ सकते हैं, लेकिन ये मास्टरपीस फाइनली ओवर हो चुका है। तो कमेंट करके बताओ कि आपकी ये एओटी जर्नी कैसी थी और आपको एओटी की एंडिंग कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।